बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कमलनाथ और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कांग्रेस और तबलीगी जमात एक ही मां की दो औलादे हैं और इन्हीं की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना संकट बढ़ा है। बीजेपी के आक्रामक विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस तबलीगी जमात और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और कहा तबलीगी जमात और कांग्रेस एक ही माँ की दो औलादे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश को कोरोना संकट में डाला है। शर्मा ने कहा कांग्रेस अपना मुंह बंद रखे तो अच्छा है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता राशन बंटवाएंगे, राशन के दुकान पर कालाबाजारी ना हो ये हमने तय किया है, कोई गरीब भूखा ना सो ये हमने तय किया है और दलाली किसी की ना चले ये भी हमने तय किया है। और कांग्रेस मुंह बंद रखे तो ज्यादा बेहतर होगा, अन्यथा फिर हमें उनका और भी तरीके और भी बातें बताना हमको आती है। कांग्रेस पहले अपनी गिरवान में झांक कर देखे, 15 महीने और कोरोना के महासंकट में मध्य प्रदेश को अगर कोई डालने वाला है तो कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार है, नहीं तो मध्य प्रदेश ग्रीन जोन होता। आज अगर हम भोपाल में पीड़ित हैं तो कांग्रेस और जो तबलीगी जमात है ये दोनों भाई हैं, एक ही माँ की दो औलाद है, उनके कारण आज हम मुसीबत में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।